नमस्ते, कृतिका किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी सब्जी से भरपूर यह मसाला दलिया, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, खाने में टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दलिया बनाने के लिए गैस पे मैंने कुकर रखा है। कुकर में एक कटोरी दलिया डाल देंगे, गेहूं का दलिया। इसे हम भून लेते हैं, इसका रंग बदलने तक, अच्छी खुशबू आने तक इसे हम भून लेंगे। दलिया भून चुका है, इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे एक चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 पिंच हींग। हींग को भी भून लेते हैं। अब एक प्याज, जिसे बारीक काट लिया है, और प्याज को अच्छा सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। प्याज भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम सब्जियां। सब्जी में डालेंगे हम गाजर, जिसे हमने बारीक काट लिया है। एक बड़ी गाजर ले ली थी, इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 आलू, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 1 कटोरी मटर। और मटर को भी हम अच्छे से इसमें भून लेते हैं। सभी सब्जियां हम भून लेंगे। आप कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जो भी आपको पसंद हो वो आप सब्जी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार मसाले डालेंगे। मसालों में हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, सभी मसाले स्वाद अनुसार डाल देंगे। और 1 हरी मिर्च, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है बारीक। सभी सब्जियां अच्छे से भून ली हैं हमने 1 मिनट चलाते हुए मसाले के साथ में। अब इसमें हम भुना हुआ दलिया डाल देंगे। 1 कटोरी दोस्तों हमने दलिया लिया है, जिसमें ये सभी सब्जियां हमने डाली हैं। अब इसके अंदर मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी। सेम उसी कटोरी से हम डालेंगे जिस कटोरी से हमने दलिया लिया था, उसी कटोरी से हम 2 कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। और कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 2 सीटी लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही कुकर में सीटी लगानी है, हाई फ्लेम पर ना लगाएं। दोस्तों, कुकर में सीटी लग चुकी है, प्रेशर निकल चुका है। अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये मसाला दलिया काफ़ी अच्छा बन गया है। ना गाढ़ा है, ना पतला है, एकदम परफेक्ट बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा कम गरम मसाला और थोड़ी हरे धनिए की पत्ती, और इसे मिला देते हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे। दोस्तों, आपको मेरी यह मसाला दलिया की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।